शिमला के रामपुर क्षेत्र में बादल फटने की घटना हुई थी। बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट करम सिंह ने बताया कि यहां से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर बादल फटा था। लगभग 40 से 42 लोगों के लापता होने की भी आशंका है। एनडीआरएफ की दो टीमें आर्मी, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, सिविल पुलिस यहाँ मौजूद है और तलाशी अभियान अब भी जारी है। एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद है और रास्ते को साफ किया जा रहा है। असिस्टेंट कमांडेंट करम सिंह, 14th एनडीआरएफ नूरपुर। एक्चुअली यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्लाउड बस्ट यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है जी, और वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ और यहाँ पर जो ये इलाका देख रहे हैं मेरे राइट साइड में लगभग 20-25 घर यहाँ पर थे और जिसमें कुछ यहाँ पर पावर प्लांट भी था, हाइड्रो पावर प्लांट, और साथ ही में यहाँ पर डिस्पेंसरी भी थी और कुछ सिविलियन थे। तो उसमें लगभग अनुमानित है लगभग 40 से 42 लोग यहाँ पर वास्ट अवे हो चुके हैं और साइड में देख ही रहे हैं लगभग 20-22 फीट के आसपास यहाँ पर मलबा ऊपर से आया है पानी के साथ साथ, और नाइट में लगभग मिडनाइट के दौरान ये मलबा आया है। हाँ, यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, दो एनडीआरएफ की टीम है जिसको चार पार्ट्स में बांटा गया है और साथ ही साथ अदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आर्मी भी है यहाँ पर साथ में और सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सिविल पुलिस और साथ में एसडीआरएफ और अदर वॉलंटियर्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ पर अनुमानित है हमारे जो एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर्स हैं उस वाले पैच में वहाँ पर एक मकान वगैरह हैं जहाँ पर मतलब कि अनुमानित है वहाँ पर कुछ स्ट्रक्ट हो सकते हैं विक्टिम बॉडीज वगैरह वहाँ रिकवर होने के चांसेस हैं, तो इक्विपमेंट के साथ वहाँ पर अप्रोच बनाई जा रही है। दूसरा सर्चिंग यहाँ पर भी सर्चिंग की गई है और लोअर साइड में भी वहाँ पर भी सर्चिंग कंटिन्यूसली, इवन अदर टीमें भी आगे भी लगी हुई हैं एनडीआरएफ की और अदर एसडीआरएफ अदर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी लगी हुई है।